हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली, बहुत ही कड़क होने वाली गाइस, क्योंकि आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ओप्पो रिनो 8 5G। तो आज इसी का अनबॉक्सिंग होगा और बहुत ही कड़क पीस है गाइस। ये जो पीस जानी जाती है कैमरा के कारण और इसकी जो हाई क्वालिटी फोटो आती है ना गाइस, वो देख के तो आप सब कहेंगे कि भाई आपका दोस्त आएगा कि DSLR भी फेल है इसके सामने। तो बस आज का इसी पे वीडियो है, अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको सब चीज फीचर दिखाएंगे, क्या 30,000 के अंदर बेस्ट फोन है या कोई कमी है कि क्या प्रॉब्लम है, हम सारी हकीकत आप सभी के सामने रखेंगे। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं, मगर उससे पहले बोलूंगा चैनल को जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके बताओ गाइज आपको अगला कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि मैं उस पर बना सकूं, और कीप सब्सक्राइब और कीप सपोर्ट। तो चलिए फटाफट वीडियो अपना चालू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख चुके हैं, ला चुका हूं अपना जो है फोन और हम चलते फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको फीचर। तो वीडियो भी बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलिए फटाफट फोन की अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। देख सकते हैं ये हमने थैली निकाल लिया, अब इसको फटाफट हम खींचते हैं। तो गाइस देख सकते हैं डब्बा खुल चुका है, अब इसको रखेंगे साइड, अब हम निकालेंगे इसको। तो देख सकते हैं गाइस, एक हमको ऐसा कुछ बॉक्स मिलता है, उसके बाद आ जाता है बॉक्स में अपना अंदर फोन। तो देख सकते गाइस अपना फोन आ जाता है, अब फोन को भी हम रखते हैं साइड में और आपको अंदर दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या है। तो देख सकते हैं बॉक्स के अंदर गाइस, आपको देख सकते हैं एक आ जाता है अपने पास, एक चार्जर मिल जाता है, इसको भी रखते हैं अपने साइड में, उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद आपको एक केबल मिल जाता है गाइस, बस अब इसको साइड रखते हैं और बॉक्स हो गया हमारा पूरा खाली। तो हम सिंपली जाएंगे अब पहले अपने ये वाले बॉक्स पे, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ लिखा है ओप्पो। अब इसको हम सिंपली खोलेंगे और इसके अंदर क्या क्या है वो आपको दिखाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, हम ये बॉक्स को खोल चुके थे, अब इसको भी हम रखते हैं साइड। देख सकते हैं गाइस, पहले ये कुछ आपको पुस्तकें मिल जाएंगी, जिसको अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ के टाइम पास कर सकते हैं गाइस। और आप देख सकते हैं गाइस, ये सबसे बढ़िया लगा मुझे पिन गाइस, ये पिन को देखते ही आप स्माइल हो जाए, खुश हो जाए, क्योंकि आपके पास आने वाला है बहुत ही तगड़ा फोन। तो ये पिन मिल गया हमको, अब पिन को भी रखते हैं हम लोग साइड और आपको दिखाते हैं सिंपली फोन। जैसे कि आप सब देख सकते हैं गाइस, फोन में आप देख सकते हैं ड्यूअल सोनी फ्लैगशिप सेंसर है, अल्ट्रा नाइट वीडियो है और 80 वॉट का सुपर वॉक चार्जर है और मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 है, ऐसा कि आप सब देख सकते हैं गाइस। इतना इसी पे लिख दिया, तो गाइस हम आपको क्या बताएंगे, ये गलत है, धंधा हमसे छीना जा रहा है हमारा। तो हम सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये थैली भी साइड रखते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने फोन पे गाइस। तो चलिए फटाफट हम फोन ओपन कर लेंगे, ऑन कर लेंगे गाइस। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, फोन ऑन हो चुका है और यहाँ आ गया है सिंपली, आप सब देखते हैं ओप्पो। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा जो है फोन ऑन हो चुका है और देख सकते हैं गाइस फोन ऑन हो चुका है। तो चलिए अब आगे वीडियो चालू करते हैं और इसके फीचर के बारे में बताते हैं आप सभी को। तो वीडियो पे बने रहिए, मगर उससे पहले जो है चैनल तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मिल जाएगा 8GB रैम, 128 इंटरनल, और प्रोसेसर की बात करूँ गाइस तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 है गाइस। और सबसे ज़्यादा ये फ़ोन किस लिए जाने जाता है गाइस, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसके पीछे आगे पीछे जो है गाइस दोनों ही कैमरे में, रेयर कैमरा और सेल्फी कैमरा में सोनी का जो है सेंसर मिल जाता है गाइस। और फोटो क्वालिटी की तो गाइस बात ही क्या करूँ, बहुत ही कमाल की फोटो क्वालिटी आती है गाइस। बात करें अपने डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले का जो है गाइस आपको मिल जाता है 6.43 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है गाइस। और बैटरी की बात करूँ तो 4500 mAh का इसका बैटरी बैकअप मिल जाता है गाइस आपको। और 80 वॉट का गाइस आप सब जैसे कि इधर देख ही सकते हैं गाइस, 80 वॉट का सुपर चार्जर आपको मिल जाएगा गाइस। और उसके बाद अगर मैं गाइस आपको बात करूँ, कंपनी क्लेम करती है कि 11 मिनट में जो है इनके फ़ोन का 15% चार्ज हो जाता है गाइस, तो ये भी है। डिस्प्ले का अगर मैं बात करूँ तो गाइस 90Hz का रिप्लेसमेंट रेट मिल जाता है आपको गाइस, ये भी बहुत अच्छा कमाल का है। और इसमें आ जाता है आपको मिलेगा एंड्रॉयड 12 और 20x गाइस आप जूम कर सकते हैं इसके कैमरे से, 20x जूम का फैसिलिटी भी है गाइस इस फोन में। आप सबको दिखा दूं गाइस, आपको मैं कैमरे का थोड़ा
कैमरे का थोड़ा आपको मैं वो दिखा दूँ गाइस, कि सैंपल दिखा दूँ कि इसका फोटो कितना क्लियर आता है, कैसा आता है। आप आगे वीडियो में इसका सैंपल देख पा रहे होंगे गाइस। और आपको अगर मैं दिखा दूँ गाइस वीडियो पे, तो अगर आप वीडियो पे जाएंगे तो देख सकते हैं गाइस आगे पे आप वो, आगे में 4K, पीछे पे 4K पे आप डायरेक्ट वीडियो बना सकते हैं गाइस। जैसा कि आपको मैं फोकस करके दिखा दूं गाइस, 4K पे आप वीडियो बना सकते हैं गाइस। वो भी सोनी का सेंसर है। सोनी का सेंसर, सोनी का नाम सुनते ही आप सब समझ ही जाते होंगे कैमरा कितना तगड़ा परफॉर्मेंस देता है गाइस। और आगे दिखा दूं गाइस, तो आगे आप सब देख सकते हैं 1080 पे या 120p पे आप जो है वीडियो बना सकते हैं गाइस। अब बात करें अपने इसके पीछे की बैक की, लुक देख सकते हैं गाइस, लुक कितना तगड़ा है गाइस। मगर ये है, इसमें प्लास्टिक का है गाइस, मेटल होता तो और भी मजा आता गाइस। अब आप देख सकते हैं इधर आपको 3 कैमरा मिल जाएगा। ये है रेयर कैमरा, 50 मेगापिक्सल का है, और ये है 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, ये भी सोनी सेंसर के साथ आता है। और ये 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाता है गाइस, और ये आपको मिल जाती है फ्लैश लाइट। बात करें आगे आगे की, तो आप सब गाइस इधर देख सकते हैं, ये है इसका कैमरा, देख सकते हैं गाइस, ये भी 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, और इसको भी, इसमें भी आपको मिल जाएगा सोनी का सेंसर गाइस। बात करें इसके डिस्प्ले की गाइस, तो मेरे को एक थोड़ा लोचा लगा गाइस कि इसके जो नीचे है, जैसा कि आप सब देखते हैं, ब्लेजर बहुत ज्यादा है साइड में, ऐसा नहीं देना चाहिए था। बाकी तो ऊपर वेल है, ऊपर का कोई टेंशन नहीं, ऊपर बहुत बढ़िया है गाइस। और गाइज आपको कनेक्टिविटी की बात करा दूँ, तो 12 5G बैंड सपोर्ट है इसमें, और वाईफाई कॉलिंग है, वाईफाई 6 है इसमें, और ब्लूटूथ 5.3 है। और कंपनी बोल रही है 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट आएगी, और 2 ईयर का जो है गाइज मेजर अपडेट आएगा। और गाइज आपको इसमें मैं आपको दिखा दूँ और फैसिलिटी इसकी गाइज, और मैं आपको दिखा दूँ तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, एक है यहाँ सिम इंजेक्टर, एक देख सकते हैं, और यहाँ अपना टाइप सी का चार्जिंग, और यहाँ देख सकते हैं आपका स्पीकर गाइस, ऊपर के साइड भी सेम वही है, और बैक से भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इस साइड देख सकते हैं आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन मिल जाता है, बस यही है। तो चलिए फटाफट अब इसका सिम ट्रे निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपने स्माइली को, ये सबसे बढ़िया लगता है गाइस, इसको देखते ही दिल खुश हो जाता है मेरा। तो आपका अगर होता हो तो डू कमेंट डाउन, आप भी बताओ कि आपको ये जो है पिन कैसा लगा। तो गाइस हम सिंपली इधर निकाल लेंगे, देख सकते हैं गाइस निकल चुका है गाइस, देख सकते हैं, एक फोकस कर देता हूँ गाइस मैं, देख सकते हैं एक आगे सिम लगेगा, एक पीछे सिम लगेगा गाइस। मगर इसमें एक ये लोचा हो गया गाइस कि ये जो है आप ये फ़ोन में जो है एक्सपांड नहीं कर सकते, आप मेमोरी नहीं लगा सकते, खाली 128 है, वही 128 ही यूज़ कर सकते गाइस। और अगर मैं आपको अगर दिखाऊं गाइस स्टोरेज में जाके कि अभी जो है हमने एक भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है और ना कुछ किया है, तो गाइस कितना मोबाइल स्टोरेज खाती है वो भी आपको दिखा दे गाइस। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं 24.7 GB जो है यूज़ कर लिया है फ़ोन स्टोरेज में, जिसमें आप सब देख सकते हैं एक अपना आ जाता है अदर में 5.46 GB, और सिस्टम यूज़ में देख सकते हैं 13.2 GB। गाइज हमने कोई ऐप अभी इंस्टॉल नहीं किया है। और गाइज जैसा कि आपको दिखा दूँ, तो ये कुछ ऐप रहते हैं इसमें, जैसे कि सब इनबिल्ट ही रहते हैं, स्नैपचैट आ गया, पब्लिक आ गया, पॉडकास्ट आ गया, ये सब जो है अलग अलग ऐप दिया है, नेटफ्लिक्स भी आ गया, ये सब भी अलग अलग आपको ऐप देखने को मिल जाएगा। बाइज अगर मैं इसके अगर रिफ्रेश की बात करूँ, तो स्क्रीन भी बहुत स्मूथ चलता है, जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं गाइज। और रही बात इसकी गेमिंग के बारे में, तो गेमिंग भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर जो है मीडिया टेक का डायमंड सिटी 1300 है, उसमें भी नया प्रोसेसर है, मगर कमाल का प्रोसेसर होगा, इतना पक्का है, क्योंकि ऐसे ही नहीं गाइस 30,000 है। अगर ये फ़ोन बाय करना है ठीक है, मगर इसमें कुछ चेंज करना चाहिए था, लाइक ये मेटल का देना चाहिए था गाइस बैक, बाकी लुकने में देखने में तो एक नंबर है। और ये जो कैमरा है उसका भी आपको सैंपल तो दिख ही गया होगा। तो अगर आपको भी ये फ़ोन अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो है अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो गाइज इसका मैं अभी, चलो आपको मैं इसका साउंड टेस्ट करा देता हूँ कि इसका माइक कैसा है, वॉल्यूम कितना ख़तरनाक आता है। तो गाइज आप सिंपली हम एक वीडियो लगा लेंगे, देख सकते गाइज आप, गाइज आप सब सुन सकते हैं,
गाइस डिसेंट है, इतना भी खास मुझे इसका साउंड नहीं लगा, मगर डिसेंट है, आप सब अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बात करें हम इसके सिक्योरिटी की, तो सिंपली आपको दिखा दूं मैं इधर जाके गाइस, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में गाइस आप सब देख सकते हैं फिंगरप्रिंट अनलॉक है। तो फिंगरप्रिंट के लिए पहले आपको सिंपली इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको सेट करके दिखा दूं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं फिंगरप्रिंट डन हो गया है, अब मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ ये बंद किया गाइस। और गाइस देख सकते हैं आप इधर मैं इसको क्लिक किया, तो गाइस आप जब देख सकते हैं एनिमेशन कितना अच्छा आता है गाइस इधर का, देख सकते हैं गाइस, आपको मैं पास से दिखा दूं गाइस, देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं गाइस इसका एनिमेशन कितना अच्छा आता है। और आपको मैं और भी दिखा दूं गाइस, जैसा कि आप फिंगरप्रिंट में देख सकते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन में बहुत सारे आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, जैसे कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो गया, छठा, सातवा, आठवा और नाइन फिंगरप्रिंट आपको एनिमेशन मिल जाते हैं गाइस। अब बात कर लेते हैं इसके फेस लॉक की गाइस, तो देख सकते हैं आप हम बैक चले जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ गाइस फेस लॉक भी है, तो सिंपली आपको वही पैटर्न एंटर करना है। अभी अब यहाँ देख सकते हैं गाइस, अब ये मेरा फेस जो है रिकग्नाइज कर चुका है। और आपको गाइस मैं अगर दिखा दूँ तो फेस लॉक इसका कितना अच्छे से काम करता है, तो गाइस आप सब देख सकते हैं ये मैंने इसको फेस दिखाया, एक मिनट और ये फेस दिखाया और ये तुरंत ओपन हो गया गाइस, आप सब देख सकते हैं गाइस कितना ही फास्ट काम करता है फेस लॉक में गाइस। जैसे ही मैं ऑन किया ये फेस दिखाया तुरंत ओपन हो गया गाइस, जैसा कि आपको मैं इधर फोकस करके अच्छे से दिखाता हूँ गाइस, देख सकते गाइस ये मैंने बंद किया, ये मैंने ऑन किया, देखा फेस देखा तुरंत ओपन हो गया गाइस। तो फ्रेंड्स इस फ़ोन की एक और ख़ासियत है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर्सनालिटी में जाके आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप कोई भी अवतार सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, और इसके हिसाब से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं गाइस, देख सकते हैं। और ये कुछ एनिमेशन भी दिया है, आप वो भी रख सकते गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं अलग अलग टाइप के गाइस, आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते गाइस, ये भी एक फ़ोन का बहुत ही अच्छा मुझे फीचर लगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये आ गया अपने हाथ में फ़ोन, जो तो आपको ये फ़ोन की अनबॉक्सिंग आप लोग देख ही चुके हो। तो आपको अगर मेरा थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना गाइस, क्योंकि अभी मैं नया हूँ इस फील्ड में, तो जितना हो सके मैं अपने हिसाब से पूरा पॉइंट इंक्लूड करके वीडियो बनाता हूँ, मगर अगर एक आध पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना और मेरा जो है भरपूर सपोर्ट दिखाए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो बस चलते हैं, मिलते हैं, और अगर मेरे लिए नहीं तो गाइस एक ये फोन के लिए एक बार लाइक कर देना गाइस। तो चलते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।